यमुनानगर के गांव भूतमाजरा के पवन के एक्सीडेंट में मौत के बाद पवन के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हत्या का आरोप शराब के ठेकेदारों पर लगा है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पवन के परिवार वालों ने शराब के ठेकेदारों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को कुछ नाम भी बताए हैं। वहीं इस बारे जब जाँच अधिकारी सुनील ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पवन नाम के व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। कल एक रात सूचना रात्रि 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बंदा गाड़ी में क्रश कर रखा है। पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद कंप्लेनेंट के भाई है ना, विक्टिम जो डिजीज है, जो मृतक है पवन कुमार, उसके भाई ने जान दिया है कि उनके साथ शराब के ठेकेदारों ने, पंडित वगैरह ने पहले भी झगड़ा कर रखा था और झगड़े की रंजिश रख रहे थे उनके साथ। और जो रंजिश मौका पाकर उन्होंने उसके भाई जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था मृतक, तो रात को जैसे ही वो हाईवे पर चढ़ा तो हाईवे चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से उसमें देश पंडित वगैरह शराब के ठेकेदार थे उन्होंने गाड़ी से टक्कर मारी। जैसे नीचे गिरा तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर दो लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राधौर टाइम्स के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।